गर्मियों में बकरियों में होने वाले रोग कैसे बचाया जाए। गर्मी का मौसम तो चल ही रहा है और हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो पशुपालन करते हैं और साथ ही बकरी पालन करते हैं, जिससे उनकी जो आमदनी है वह दुगुनी हो सके। तो गर्मी में बकरियों का ख्याल करना बेहद ज़रूरी होता है। बहुत सारा रोग जो है इस मौसम में हमें देखने को मिलता है, उसमें एक सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन जो होता है अफरा नाम की बीमारी होती है। अफरा में क्या हुआ, बकरियों का पेट फूल जाता है, बकरियों के पेट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गैस भर जाता है और गैस जो है निकल नहीं पाता, और ये जो जैसे ही गैस भर जाता है बकरियों के पेट में तो वो बकरियों का लंग्स जो है उसको डैमेज करता है और बकरियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो अफरा जो है इसका होने का मुख्य कारण है कि हम लोग गर्मियों में जो जूठन सामग्री देते हैं, जो सड़े हुए सामान अगर बकरियाँ खा लें तो उसमें अफरा की बीमारी बहुत ज़्यादा होने के संभावना रहता है। कभी कभी जो है दलहनी हरा चारा का भी अगर अधिक मात्रा में खा लेती है तो उस पर भी अफरा होने की संभावना हो जाती है। तो इससे बचाव के हेतु जो है हमें जो है बकरियों को स्वच्छ जो है खाना देना चाहिए, चारा जो बासी चारा जो है उसको नहीं देना चाहिए और दाना का कम से कम प्रयोग करना चाहिए इस मौसम में। और अगर आपकी बकरियों को अफरा हो जाए, अगर अफरा एक्यूट स्टेज में है, मतलब ऐसा लग रहा है जिससे बकरियां एकदम प्रभावित हो तुरंत मर जाएगी, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, बकरियां के बाएं साइड जो पेट होता है उस पेट में, जिसको हम लोग अपने भाषा में पारा लुम्बर फोसा कहते हैं, उसमें निडिल से प्रिक करना चाहिए, चाहे ट्रोकर एंड कैनुला से हमको उसमें छेद कर देना चाहिए, जिससे इमीडिएट गैस का रिलीज हो जाए और बकरियों की जान बचाया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास मेडिसिन है ब्लोटासील ब्लोटानेक्स, इसका जो है बकरी के वजन के अनुसार अगर हम प्रयोग करेंगे तो अफरा बीमारी से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो है आजकल जो है बकरियों में डायरिया रोग का काफ़ी प्रकोप होता है, जैसे ही देखते हैं मनुष्यों में भी गर्मियों के सीजन में डायरिया का प्रकोप हो जाता है, उसी तरह बकरियों में डायरिया का प्रकोप होना बहुत ही आम समस्या है गर्मी के समय में। तो इसमें बकरियों को पतला दस्त हो जाता है, बकरी खाना पीना कम बंद कर देता है और बकरियां का दूध भी कम हो जाता है और कभी कभी बकरियों की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मौसम में ईकोलाई नामक बैक्टीरिया का पॉपुलेशन की आबादी काफ़ी बढ़ जाती है और ये जो है ख़राब रख रखाव के यहाँ जहाँ आप मलमूत्र रखते हैं बकरियों का, वहाँ अगर सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। इस रोग की संभावना कभी कभी नवजात बच्चों में भी होता है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं तुरंत जन्म लिए रहते हैं और उसमें भी ये हो जाने से बच्चे में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इससे बचाव के हेतु जन्म के तुरंत बाद जैसा हम लोग बताते हैं कि माँ का दूध पिलाना चाहिए, तो बकरियों में भी जो माँ का पहला दूध होता है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, तो कोलेस्ट्रम को फीडिंग कराना चाहिए। कोलेस्ट्रम जब हम पिलाएंगे तो बकरियां को जो है उससे रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप कर जाएगी और ये डायरिया से बचाया जा सकता है। अगर बड़े पशु में बड़े बकरियों में अगर डायरिया का प्रकोप हो जाए तो हमें उसका जो है मल का जांच कराना चाहिए, जांच के अनुसार हमको दवा देना चाहिए। अगर जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो हम लोग नेवलॉन पाउडर जो है बाज़ार में होम आयुर्वेदिक दवा उपलब्ध है उसको देने से फ़ायदा होता है।